नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और एग्जाम गुरु जी के मध्य प्रदेश के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज है दिन 28 सोमवार। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपका एमपीपीएससी का कैलेंडर आ चुका है और सभी एग्जाम अपने समय पर होंगे और मुख्य परीक्षा और प्री के नोट्स एग्जाम गुरु जी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ये सभी अपडेटेड नोट्स हैं, जो भी डेटा है अभी तक अपडेट कर दिया गया है। आप यदि ये नोट्स परचेज करते हैं तो आपको इसके साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्री के नोट्स के साथ, जो कि 1299 के हैं, उसके साथ 895 रुपए की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्री मिलती है। वहीं यदि आप मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि 3000 रुपए के हैं, इसके साथ आपको 1295 के मुख्य परीक्षा 2021 की टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। ये सारी चीजें आप ऐप से परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम गुरु जी में आपको 2 दिनों से ऐप में कुछ समस्याएं चल रही थी, अपडेशन का कार्य चल रहा था, वो चीजें अपडेट कर दी गई हैं। मुख्य परीक्षा में कुछ वीडियोस अपडेट किए जा रहे थे, कुछ सर्वर को लेकर के भी इशू हो रहा था, एकदम से चीजें बदल रही थी जिसकी वजह से दिक्कत जा रही थी हमें, वो समस्याएं भी सुलझा ली गई हैं। आप ऐप का अब उसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपके डेली ऐप में अपडेट किए जा रहे हैं, डेली के डेली करंट अफेयर्स, साथ में जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ये वाले वहां पर उपलब्ध हैं। और यदि सभी आप सभी के लिए एक एग्जाम गुरु जी अवसर लेकर के आया है स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 का, जो कि 8 जनवरी 2023 को आयोजित किए जाने वाला है एकलव्य। इसमें फर्स्ट रैंक से लेकर के 5th रैंक वालों को मिलेगा प्री प्लस मेंस का वीडियो कोर्स, साथ में 6th से 10th रैंक तक वालों को मिलेगा मध्य प्रदेश प्री पीएससी प्री के वीडियो कोर्स, साथ में 11 से 50 रैंक वालों को मिलेगा एमपीपीएससी प्री 2022 की टेस्ट सीरीज, और साथ में जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे जो इसके बाहर के होंगे, यदि वो कोई भी कोर्स एमपीपीएससी का परचेज करते हैं तो उन्हें फ्लैट 60% का ऑफ दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको 99 रुपीज के रजिस्ट्रेशन के साथ मिलेंगी। इसका सिलेबस क्या रहेगा? इसका सिलेबस रहेगा मध्य प्रदेश का जीके आएगा इसमें, साथ ही में 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स रहेगा, 100 MCQ रहेंगे, वो बाइलिंगुअल रहेंगे, साथ ही में आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, टाइम घटाया जाएगा इसमें अभी, और साथ ही में इन क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन सही हो और आप उसको थोड़ा सा सीरियसली लें, तुक्का वगैरह ना लगाने की कोशिश करें। इसकी ज्यादा जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर पर मिलेगी। आप डायरेक्ट एग्जाम गुरु जी के ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी जल्दी बनाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। शुरुआत करते हैं हमने पिछले दिनों क्या पढ़ा था उसके करंट अफेयर्स के साथ। तो हमने पिछले दिनों देखा था कि मध्य प्रदेश की गायिका है सुशी शैफाली चौरसिया, ये किस जिले की है? ये मंडला जिले की है और इन्होंने फीफा जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, वहां पर लगभग 13 शो इनके आयोजित किए गए हैं जिनमें जिसमें इन्होंने बॉलीवुड के गानों के साथ इंटरटेन किया है। द फ्यूचर रेडी स्टेट किस राज्य पर केंद्रित है? ये एक फिल्म है, मध्य प्रदेश पर केंद्रित है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग सभी राज्यों के जो बड़े शहर है वहां पर अपने जो अगली समिट होने वाली बिजनेस समिट उसके प्रमोशंस को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। वहां पर द फ्यूचर रेडी स्टेट एक मूवी बनाई गई है जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दी गई है, उसको प्रदर्शित की जा रही है। एक जिला एक उत्पाद इनमें से क्या मंदसौर जिले की पहचान है? तो लहसुन है, जिसे सफेद चांदी भी कहा जा सकता है। मैंने पिछले करंट अफेयर्स में इसके बारे में डिटेल्स दी थी आपको और उसकी जो पीडीएफ है वो भी एग्जाम गुरु जी के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दी गई है। प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये दिया गया है मोटे अनाज की खेती में, 2023 का मोटे अनाज का वर्ष है। किस देश ने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो वो यूरोप ने करी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों में। तो प्रसार भारती के रजत जयंती स्थापना दिवस मनाया गया, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 23 नवंबर 1997 को की गई थी। निम्न में से किसे डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रवि कुमार सागर है। इसमें जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो समाज सेवा के क्षेत्र में होते हैं, युवा होते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। निम्न में से किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अनवर इब्राहिम ने ली है। गरुड़ शक्ति किन दो देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में। बात करेंगे 10 प्रश्न क्रमांक 10 की, जो आखिरी प्रश्न था, अर्बन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। सागर गौरव दिवस कब मनाया गया है? 4 नवंबर, 5 नवंबर, 11 नवंबर या 26 नवंबर को? तो इसका राइट आंसर है कि 26 नवंबर को अभी सागर का गौरव दिवस मनाया गया है। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो सागर क्यों फेमस है? एक तो सागर यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की जन्मस्थली कर्मस्थली रही है उनकी, इस वजह से ये फेमस है। और इसकी जो 153वीं जयंती समारोह था उसी अवसर पर
जो सागर का गौरव दिवस रहेगा वो डॉक्टर हरि सिंह गौर की जन्म दिवस के दिन रहेगा। अब इसमें कुछ एक प्रोग्राम भी शुरू किया मुख्यमंत्री ने कि सागर रत्न से सम्मानित करने का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कई लोगों को इसमें सम्मानित किया गया, जिसमें एक हमारे पद्मश्री जो प्राप्त करता है डॉक्टर श्री राम साहेब पांडे सम्मानित व्यक्ति, पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर कपिल तिवारी, अभिनेता है मुकेश तिवारी, और कई हस्तियों को इसमें क्या किया गया है सम्मानित किया गया है। साथ में यदि बात करें हम डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म तो सागर में हुआ था 26 नवंबर 1870 में, और बहुत सारी मोटी बातें उनके हमें मालूम है उनके बारे में। उनका जो स्कूली एजुकेशन है वो भी सागर के गवर्नमेंट स्कूल में रहा है, और छात्र जीवन में भी इन्होंने दो काव्य संग्रह लिखे थे, द स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड द अदर पोएम्स और रेमन टाइम, ये इनकी रचनाएं थी जो इन्होंने अपने छात्र जीवन में ही कर ली थी। इसके अलावा इन्हें क्या हुआ था कि इसके इन दो रचनाओं के लिए इन्हें जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था 1929 में, इन्होंने एक शीर्षक से स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म एक पुस्तक लिखी थी, जिसका जो प्रस्तावना लिखी गई थी वो हमारे जो कविवर है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर इनके द्वारा लिखी गई थी। अन्य उपलब्धियों में बात करें तो जो डॉक्टर गौर रहे हैं वो डीडीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, नागपुर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति भी रहे हैं, साथ में जो भारतीय संविधान सभा थी उसके उपसभापति भी रहे हैं, साइमन कमीशन के सदस्य भी रहे हैं, और रॉयल सोसाइटी फॉर लिटरेचर के फेलो भी रहे हैं, और इन्होंने 18 जुलाई 1946 को सागर विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक दो की, निम्न में से कौन एक स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम है, इंद्रधनुष, उमंग, सतरंग या स्वस्थ आंगन। तो इसका राइट आंसर होगा उमंग। ये एक क्या है, स्कूल एंड हेल्थ वेलनेस का प्रोग्राम है। इसमें जो युवा छात्र होते हैं हमारे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हों, या जो 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग अलग मार्गदर्शिकाएं बनाई गई हैं, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें उन्हें जो छोटी छोटी बातें होती हैं, हाथ साफ करके खाना खाना चाहिए, आइस वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, नेल कट करने चाहिए, और साथ में कुछ जो मेडिसिन होती हैं आई एफ वगैरह की गोलियां उन्हें दी जाती हैं, नशा मुक्ति केंद्र के नशा मुक्ति के बारे में उनको जानकारी दी जाती है, स्वच्छ पेयजल इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी बच्चों को अंदर एक स्वास्थ्य को लेकर के एक जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम है उमंग, ठीक है। ये स्कूली प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर के इसको चला रहे हैं, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है। यहाँ पर छात्रों की जांच वगैरह भी होती है, और इसमें क्या है, UNFPA की सहयोगी संस्था है जो कि भारतीय ग्रामीण महिला संघ के सहयोग से मार्गदर्शिका तैयार करी है, जिसका विमोचन अभी जो हमारे यहाँ के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी इनके द्वारा किया गया है। हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक तीन में, राज्यों के मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो मुख्य सचिवों की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सभी अपने पूरे देश के सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और ये दूसरी बैठक होगी जिसका आयोजन होगा। और इसके प्रमुख बात यह है करंट अफेयर में सम्मिलित करने के पीछे कि इसका जो आयोजन होता है कॉन्फ्रेंस का वो भारत सरकार का जो आर्थिक कार्य विभाग होता है उसके द्वारा होता है, लेकिन इस बार जो है मध्य प्रदेश का जो नगरीय विकास एवं आवास विभाग है वो भी इसके साथ सहयोग कर रहा है, और हमारा जो मध्य प्रदेश है इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश को शहरीकरण की चुनौतियों और समाधान विषय पर नोडल राज्य का दायित्व तो दिया गया है। जो पहली इसकी बैठक हुई थी वो 3 दिवसीय थी, वो हिमाचल के धर्मशाला में आयोजित की गई थी, इस बार वाली दिल्ली में होने वाली है जिसमें मध्य प्रदेश का अहम रोल रहेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक चार की, मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, प्रमुख सचिव उद्योग मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन काउंसिल, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन है इसका जो अध्यक्षता करेंगे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। और इसका क्या है कि अभी मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो मैंने आपको बताया कि जितने भी बड़े शहर हैं हमारे यहाँ के जो कि एक तरह से आर्थिक शहर कहलाते हैं, तो वहां पर जहां पर सभी बिजनेसमैन होते हैं तो उनके साथ बैठकें चल रही, वहां पर इन्होंने इसका जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश ने इसके लिए एक अलग से ट्रेड पोर्टल भी बनाया है, हमने हेल्पलाइन शुरू करी है ताकि ट्रेडिंग करने वालों को एक तरह से आप ये कहें कि एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जो कि आयात निर्यात इन सब चीजों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार वगैरह से जो जुड़े हुए होते हैं ट्रेडिंग करते हैं,
ठीक है, उनके लिए एक काउंसिल गठित की है ताकि उनकी समस्याएं, क्या होता था पहले अलग अलग विभागों में जाती थी, तो डायरेक्ट जो ट्रेडिंग, क्योंकि जो हमारे यहाँ व्यापार होता है उसमें ट्रेडर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी एक हमारे इंदौर का जो सोयाबीन है वो अफ्रीका में बिक रहा है, आप ये मान के चलो वो ट्रेडर्स जो होते हैं वो वहां के लिए भी मार्केट सर्च करते हैं और यहाँ किसानों के साथ भी संबंध रखते हैं, फिर इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उनके लिए उनकी समस्याएं क्या जाती है, किस प्रकार से उनको एक बिजनेस एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, इन्हीं सब चीजों को ध्यान रख के ये पोर्टल प्रारंभ किया गया है। तो एक सुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं के बारे में वो वहां पर जानकारी दे रहे थे। और बात करें तो मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है और औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन के जो सचिव होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की, निम्न में से कौन सा शहर भारत में पहली G20 की जो शेरपा बैठक होगी उसकी मेजबानी करेगा, पुणे, उदयपुर, अहमदाबाद या नई दिल्ली को? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर, जो होगा राजस्थान का उदयपुर शहर, वो जो शेरपाओं की G20 के शेरपा। शेरपा है क्या हमारे यहाँ, पहली बात तो आप ये जान जाए कि जो मध्य अपने भारत के जो शेरपा होंगे जो अध्यक्षता करेंगे वो भारतीय शेरपा कहलाएंगे, अमिताभ कांत। ठीक है, जो G20 होता है इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत को 1 दिसंबर से मिलने वाली है, जो 2023 की बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है, हथौड़ा दे दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री को। अब शेरपा कौन होते हैं, देखिए अब इसमें G20 समिट में क्या होगा कि जितने भी देश के राष्ट्र प्रमुख आएंगे या जो नेता वगैरह सम्मिलित होते हैं अब ये हर बार हर बैठक में तो आएंगे नहीं, अब ये एक कार्यक्रम में तो आते नहीं, यहाँ पर इनकी बहुत सारी बैठकें होती हैं अलग अलग चीजों को लेकर के होती हैं। ठीक है, आयात निर्यात व्यापार से संबंधित बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं, उनकी बैठकें होती हैं। तो अब ये जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं ये सीधे एक बार बैठक में आते हैं, यदि 3 या 4 दिन 5 दिन का जो भी इनका कार्यक्रम रहेगा, 3 दिन का रहेगा, वो मात्र 3 दिनों के आते हैं, लेकिन इसके पहले ही इन सारी बैठकों का एजेंडा तय कर लिया जाता है जो वहां के। अब क्या होता है जैसे अब ये राष्ट्र प्रमुख हैं तो इनके लिए एक तरह से आप एक ये दूत का काम करते हैं, जो ये शेरपा होते हैं हर प्रमुख के दूत होते हैं, जैसे राम जी की जो दूत थे वो अंगद थे, हनुमान थे, ये रावण से क्या करने गए थे, बात करने गए थे। तो इसी प्रकार से सभी, जैसे अब बात करें जो बिडेन की, तो उनके दूत होंगे, उन्हें शेरपा कहा जाता है भारत में, या बाकी के सभी ये जो दूत होंगे ये सभी पहले बहुत सारी बैठकें आयोजित कर लेते हैं, पूरा का पूरा एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, इसके बाद OMU फाइनल हो जाता है, राष्ट्र प्रमुख केवल सिग्नेचर करते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री और यदि अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में कोई OMU साइन होगा तो उसके पहले बहुत सारी बैठकें हो चुकी होंगी, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी FTA साइन हुआ है, तो FTA साइन होने के पहले ही बहुत सारी बैठकें हो जाती हैं, सारे एजेंडे तय हो जाते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझा ली जाती है कहाँ पर। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई हम दूध का बिजनेस आपके साथ 100% इम्पोर्ट में नहीं कर सकते, तो उसके लिए सोल्यूशन निकाल लिया गया होगा, भारत ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करी, फिर उसका सोल्यूशन निकाला गया, उनको समझा गया ताकि कोई चीज रुके ना। तो इसी प्रकार से क्या है कि जो अगला दौर है ये पूरा बैठकों का चलेगा, तो अलग अलग शहरों में बैठ के आयोजित की जाएंगी। तो जो सभी शेरपा हैं, ये जो सभी राष्ट्र प्रमुख हैं, उनके दूत जो है वो यहाँ पर बैठकों में आएंगे और अपना क्या करेंगे, अपना एजेंडा तय करेंगे, उनपे बैठकों का पूरा क्या होगा आयोजन अलग अलग शहरों में किया जाएगा। तो इसकी पहली बैठक की जा रही है वो उदयपुर में की जा रही है, और भारतीय शेरपा जो है हमारे यहाँ के अमिताभ कांत बनाए गए हैं भारत के। तो G20 समूह क्या है, 19 देशों का संगठन है, तो 19 शेरपा यहाँ पर सम्मिलित होंगे बैठक में, उसकी अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत द्वारा की जाएगी, जो कि CEO भी है इस समय योजना आयोग इसके नीति आयोग के। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, G20 का 99 में हुआ था, भारत इसकी स्थापना सदस्य के बाद सदस्य रहा है। उदयपुर की बात करें तो इसकी स्थापना 1559 में राजपूत के जो सिसोदिया वंश के राजवंश थे उदय सिंह द्वितीय इनके द्वारा की गई थी। और उदयपुर आपको पता है राजस्थान का झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है, 7 प्रमुख झीलें हैं वहां पर, एक तो आपकी फतेह सागर झील हो गई, पिछोल सागर झील हो गई, उदय सागर झील हो गई, जैसमंद झील हो गई, राजसमंद झील हो गई, फिर दूध तलाई झील हो गई, स्वरूप सागर झील हो गई, ये प्रमुख झीलें हैं वहां की, बहुत खूबसूरत शहर है जहां पर ये बैठक आयोजित की जाने वाली है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, फिजी, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र? तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। मिस्र इस समय वर्तमान में भी हमारे भारतीय विदेश नीति की बात की जाए तो इस समय बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, भारत ने भी बहुत सारा गेहूं यहाँ एक्सपोर्ट किया है, जब हमारा क्या कहते हैं टर्की के साथ जो ट्रेड होने वाला था वो कैंसिल हो गया था तो मिस्र ने तुरंत उस गेहूं को परचेज किया था,
अब बहुत सारे भी इनके व्यापारिक हमारी जो बातें हैं वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसके साथ। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, और ये पहले नेता होंगे मिस्र से जो हमारे यहाँ की गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी करेंगे। ये पूर्व सैनिक भी रहे हैं, 2014 से मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में थे, फिर 2018 में इन्हें दोबारा चुना गया है। इसके पहले जो हमारे अंतिम मुख्य अतिथि आए थे 2020 में आए थे, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो आए थे। और बात करें यदि गणतंत्र दिवस समारोह की, देखिए इसके राष्ट्रपति जो होते हैं वो गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं, और जो मेजबानी होती है वो किसके पास होती है, जो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं। पहले जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह था जो आयोजित किया जाता था ये 26 से लेकर के 30 तक होता था, लेकिन 2022 से इसको 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी को समाप्त करने का फैसला किया गया। 23 जनवरी जो होती है हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनका जन्मदिवस होता है, उस दिन से लेकर के 30 तारीख तक इसको आयोजित किया जाएगा, और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और 30 जनवरी होती है गांधी जी की हत्या को चिन्हित करने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कई बदलाव हुए हैं कार्यक्रमों में, यह हमें याद रखना है, ठीक है। और इस बार जहां तक है उनकी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। अब गणतंत्र दिवस समारोह जो हमारा है ये पहले बहुत पहले से जब आयोजित किया जाता था, तो 1950 से लेकर 1954 के बीच में ये अलग अलग जगहों पर इसका समारोह का आयोजन किया गया, तो ठीक है। इसमें दिल्ली में एरविन स्टेडियम हो गया, किंग्स वे हो गया, लाल किला हो गया, रामलीला मैदान, अलग अलग जगहों पर भी इसका समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन 1955 के बाद क्या हुआ कि जो हमारा राजपथ है जिसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, वहां से स्थायी रूप से इसकी शुरुआत की गई, और इसमें जो मुख्य अतिथि तो पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम मोहम्मद वो थे, और जो हमारे गणतंत्र दिवस के जो पहले मुख्य अतिथि थे 1950 में जब हुआ था तो इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो थे। अब बात करें यदि अमेरिका की तरफ से तो आज तक एक ही राष्ट्रपति हैं वहां के, जो बराक ओबामा हैं वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसके बाद 1961 में जो पहली महिला मुख्य अतिथि थी वो यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, और नोबेल पुरस्कार में विजेताओं की बात करी जाए तो दो लोग इसमें आज तक सम्मिलित हुए हैं, एक तो नेल्सन मंडेला हुए हैं, दूसरा म्यांमार की आंग सान सू की हुई हैं, जिन्हें भी नजरबंदी कर दिया गया था म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ था। इसके अलावा अभी 2021 और 22 में लास्ट में इसमें कोई सम्मिलित नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था, इसके पहले युद्ध का समय चल रहा था इसलिए नहीं हुआ। अब इस पूरे प्रोग्राम का जो आयोजन होता है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हम याद रखेंगे कि इसका जो आयोजन होता है समारोह का केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। मर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा एक सर्वेक्षण हुआ है जिसमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची है, तो इस सूची में सबसे ऊपर किस देश के राष्ट्रप्रमुख है, मैक्सिकन के, भारत के, चीन के या अमेरिका के, तो इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री जो है इस सूची में सबसे ऊपर है, 77% इन्हें वोट दिए गए हैं। ये अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म है जिसका नाम है मर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वेक्षण, तो भारत के प्रधानमंत्री को 77% वोट मिले हैं। इसके बाद आपके जो आते हैं अटॉर्नी एबिनेस आते हैं, मैक्सिकन राष्ट्रपति आते हैं, फिर जो बिडेन आते हैं, फिर जस्टिन ट्रूडो आते हैं, और फिर इसके बाद हमारे ब्रिटेन के ऋषि सुनक आते हैं, तो ये सभी लोग इस लिस्ट में रहे हैं। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। विक्रम गोखले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस कार्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेखक थे, अभिनेता थे या राजनीतिक थे, तो इसका राइट आंसर होगा कि जो विक्रम गोखले हैं इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये अभिनेता थे। यदि आपने आखिरी मूवी जो भूल भुलैया वो देखी होगी द्वितीय आई थी, उसमें इनका एक रोल रहा है, उनके गुरु रहते हैं अक्षय कुमार के। इसके अलावा बहुत सारी मूवियों में इन्होंने काम किया है, और एक तरह मुख्यतः ये मराठी अभिनेता थे लेकिन हिंदी फिल्मों में भी बहुत अभिनय किया हुआ इन्होंने, और इनकी आखिरी फिल्म जो थी वो निकम्मा थी, जून 2022 में रिलीज हुई थी। प्रश्न क्रमांक 9 में बात करें तो निम्न में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी है जो 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, इब्राहिमोविच है, लियोनेसी मेसी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है या वॉन्डिक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 5 विश्व कप में, मतलब अलग अलग विश्व कप में, सभी विश्व कप में कुल मिलाकर के इन्होंने गोल किया, 5 विश्व कप खेले। तो अभी इनका जो घाना के साथ मुकाबला चल रहा था वहां पर इन्होंने एक गोल किया, उसके साथ ही इनका क्या हुआ कि 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये कहाँ के कप्तान, ये पुर्तगाली खिलाड़ी, पुर्तगाल टीम के कैप्टन है, और इसके अलावा इन्होंने 2006 का वर्ल्ड कप, 10, 14, 18, 22 का वर्ल्ड कप खेला है, और सर्वाधिक स्कोर करने वालों में दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं, ठीक है। इसके पहले जो रोनाल्डो ने ब्राजील के पेले, जर्मनी के जो यूवे शीलर हैं,
विराट क्लोज को इनको सबको पीछे छोड़ते हुए इन्होंने 4 वर्ल्ड कप में गोल मारे थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष में 50 में एकमात्र भारतीय जो अपना इंडियन इंस्टीट्यूशन है वो सम्मिलित हुआ है, रैंक में आया है, तो वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी गुवाहाटी है या आईआईटी पुणे है? तो इसका राइट आंसर होगा कि आईआईटी दिल्ली है, जो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे में टॉप 50 में आया है। अब इसमें क्या, इन्होंने 250 विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट तैयार करी थी और ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी करी गई है। भारत का जो आईआईटी दिल्ली है एकमात्र शैक्षणिक संस्थान है जो टॉप 50 में आया है। इसके अलावा जो हमारे अन्य संस्थान आए हैं उसमें तो एक हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, ठीक है, जो कि 58 नंबर पे है। फिर आईआईटी बॉम्बे है जो 72 नंबर पे है। और जो नवीनतम पीएचई रैंकिंग में 200 में केवल 5 भारतीय संस्थान आए हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें हमारे और इंस्टीट्यूशंस को आना चाहिए। टॉप 5 में यदि बात करो तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की है, यूएसए का भी दूसरा विद्यालय है, तीसरा विद्यालय भी यूएसए का, चौथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसका नाम हम लोग बहुत सुनते हैं वो यूके का चौथा, यानी टॉप 3 में यूएसए के ही यूनिवर्सिटी है। एक तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये टॉप 3 है। इसके बाद कैम्ब्रिज यूके की है, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की। इन टॉप 5 में 4 यूएसए के हैं, एक यूके का है, भारत टॉप 50 में मात्र एक है। हम आज का प्रश्न आप सभी के लिए, पिछला प्रश्न हमने आपको 5 मार्कर का दिया था। हर सैटरडे हम आपको अब 2 फॉर्मेट में क्वेश्चन देंगे, एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का। मुख्य परीक्षा की परीक्षा अभी आपकी दूर है, प्री भी आपका मई में है, इसके पहले हम धीरे धीरे मुख्य परीक्षा के आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगले जो सैटरडे से करंट अफेयर्स आपको आएगा उसमें 1 3 मार्कर रहेगा, 1 5 मार्कर रहेगा। आप सभी के उत्तर बहुत बढ़िया रहे हैं। अगले करंट अफेयर्स में उसके मैं एक डिटेल्स के साथ आपसे मिलूंगा, लेकिन आज सभी का प्रश्न आप सभी के लिए, दमोह जिला स्थित नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। लक्ष्मीकर्ण के द्वारा, बी विजय सिंह के द्वारा, सी युवराज प्रथम के द्वारा या डी करण देव के द्वारा? आप सभी को आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और इसके बारे में 3 से 4 लाइनें जो भी आपको मालूम है इसका, इस क्वेश्चन का जब मैं आपको जानकारी दूंगा तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत सारी आपको नई इन्फॉर्मेशन भी वहां पर मिलेगी। और आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें और साथ में ये मुझे बताएं कि आपको करंट अफेयर्स कैसा लग रहा है। यदि आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना नहीं भूलें और लाइक करना नहीं भूलें। यदि कोई कमी है तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम उस पर सुधार करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम जो कंफर्म करें वो आपके लिए अच्छा रहे। फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होती है, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।